भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त गणपति बप्पा को अपने घर लाते हैं। और उनकी स्थापना कर विधि विधान से पूजा करते हैं। कहते हैं कि यदि गणपति जी की स्थापना विधि विधान से नहीं की जाए तो बप्पा उस घर में विराजमान नहीं होते हैं और ना ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी स्थापना कैसे करनी चाहिए और गणेश उत्सव के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणपति बप्पा को घर पर लाने से पहले घर को सजाएं, सवारे, निखारे, इतना खूबसूरत हो उनके आने से पहले आपका घर कि देखते ही वह प्रसन्न हो जाएं, मुस्कुरा उठे और कहें कि बस अब कहीं नहीं जाना, यही रहना है। सुख सुविधा आराम खुशियां जितनी आप गणपति के समक्ष रखेंगे उतनी ही और उससे कहीं ज्यादा आपको प्रतिसाद में मिलेगी। उनके स्थापना का स्थान स्वच्छ करें। सबसे पहले स्थान को पानी से धोएं, कुमकुम से एकदम सही व्यवस्थित स्वास्तिक बनाएं, 4 हल्दी की बिंदी लगाएं, 1 मुट्ठी अक्षत रखें, इस पर चौकी या पट्टा रखें, लाल, केसरिया या पीले वस्त्र को उस पर बिछाएं, स्थान को रोशनी से सुसज्जित करें, चारों तरफ रंगोली, फूल, आम के पत्ते और अन्य सजावटी सामग्री से स्थान को सुंदर और आकर्षक बनाएं। यह समस्त तैयारी गणेश उत्सव के आरंभ होने के पहले ही कर लें। अब बप्पा की मूर्ति को एक कपड़े में ढककर उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से घर पर लेकर आएं और सुसज्जित चौकी पर स्थापित करें। भगवान गणेश की मूर्ति पर गंगा जल छिड़के और उन्हें जनेऊ धारण कराएं। गणपति बप्पा की स्थापना हमेशा पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा में करना शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की स्थापना भूलकर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में नहीं करनी चाहिए। बप्पा के समक्ष धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। ध्यान रखें कि जब तक गणेश जी आपके घर में रहेंगे तब तक अखंड दीपक जला कर रखें। गणेश जी के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाएं, फिर उन्हें चावल, दुर्वा और पुष्प अर्पित करें। गणेश जी के स्थान के उल्टे हाथ की तरफ जल से भरा हुआ कलश चावल या गेहूं के ऊपर स्थापित करें। कलश के मुख पर मोली बांधें एवं आम पत्र के साथ एक नारियल उसके मुख पर रखें। नारियल की जटाएं सदैव ऊपर रहनी चाहिए। घी एवं चंदन को तांबे के कलश में नहीं रखना चाहिए। गणेश जी के स्थान के सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक एवं दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। पूजन के प्रारंभ में हाथ में अक्षत, जल एवं पुष्प लेकर गणेश ध्यान एवं समस्त देवताओं को स्मरण करें। अब अक्षत एवं पुष्प चौकी पर समर्पित करें। इसके पश्चात एक सुपारी में मौली लपेटकर चौकी पर थोड़े से अक्षत रख उस पर वह सुपारी स्थापित करें। भगवान गणेश का आह्वान करें। गणेश आह्वान के बाद कलश पूजन करें। कलश पूजन के बाद दीप पूजन करें। इसके बाद पंचोपचार या षोडशोपचार के द्वारा गणेश पूजन करें। अब आरती करें। इस बात का ध्यान रखें कि 10 दिनों तक नियमित समय पर आरती करें। अपनी सुविधा अनुसार समय को घटाएं या बढ़ाएं नहीं। गणेश जी प्रतीक्षा करना कतई पसंद नहीं करते हैं। उन्हें समय पर प्रसाद और आरती से प्रसन्न करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।